तो गाइस आज मैं बनाने वाला हूँ नूरा मैम का ये वाला पोर्ट्रेट। और थोड़े दिन पहले मैंने नूरा मैम का ही पोर्ट्रेट बनाया था, बट वो ग्रिड मेथड से बनाया था। ये पोर्ट्रेट जो मैं बनाने वाला हूँ वो होगा फ्री हैंड से, क्योंकि फ्री हैंड की रिक्वेस्ट मुझे बहुत ज़्यादा आती रहती है, मतलब रेगुलर ही आता है। डेली कोई ना कोई मुझे DM करके बोलता ही है कि फ्री हैंड ट्यूटोरियल बनाओ। तो ये वीडियो में मैं जो ये पोर्ट्रेट है वो फ्री हैंड ही बनाने वाला हूँ। और जो ये रेफरेंस मैंने सेलेक्ट करा है जो कि फ्रंट साइड है बिल्कुल, ये इसलिए करा है क्योंकि अगर मैं फ्रंट साइड के अलावा अगर साइड फेस लेता या फिर 3x4 या फिर किसी भी पोजीशन वाला रेफरेंस पिक्चर उठाता, तो इसमें होता क्या कि आपको जब ये फ्रंट फेस है तो यहाँ पे आपको जब भी आप ड्रॉ करोगे तो प्रोपोर्शन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। बट अगर मैं दूसरे साइड का लेता तो वहाँ पे प्रोस्पेक्टिव भी इंक्लूड हो जाती। तो अगर आपको प्रोस्पेक्टिव पता है तो वो तो आप कवर कर लोगे, बट अगर आपको नहीं पता, आपको प्रोस्पेक्टिव के बारे में नहीं पता, प्रोपोर्शन के बारे में ज़्यादा नहीं पता, तो सबसे पहले आपको फ्रंट साइड से प्रैक्टिस करना चाहिए। धीरे धीरे आप अलग अलग एंगल में आप ड्रॉ कर सकते हो। तो मैंने सोचा फ्रंट साइड को कवर करते हैं, उसके बाद मैं प्रोस्पेक्टिव भी बताऊंगा डिटेल में, उसके बाद आगे अलग अलग एंगल्स में हम ड्रॉ करेंगे। तो इसलिए मैंने सबसे ईजी वाला जो है वो मैंने रेफरेंस सेलेक्ट करा है। तो यहाँ पर सबसे पहले फ्री हैंड मैथड समझने की कोशिश करते हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना होता है वो भी हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आती है बात फ्री हैंड की, तो आपके पास कोई भी मेजरमेंट टूल नहीं होना चाहिए, मतलब कि आपके पास पेपर, जो कि मैं यहाँ पे ब्रूस्टो सॉरी कैंसल का पेपर यूज़ कर रहा हूँ, कैंसल की ड्राइंग पेपर जो कि है 224 GSM की, फाइन ग्रेन पेपर है, इसमें थोड़ी बहुत टेक्सचर आपको देखने को मिलती है, और एक पेंसिल जो कि है बी ग्रेड की। वैसे आप अगर फ्री हैंड मेथड यूज़ कर रहे हो और रिकॉर्डिंग नहीं कर रहे हो तो आप यहाँ पे 2H यूज़ कर सकते हो, या फिर अगर आपके पास 2H नहीं है तो HB भी यूज़ कर सकते हो। ये हल्की सी डार्क हो जाती है, ये यहाँ पे मैं इसलिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि आप देख सको, क्योंकि अगर मैं 2H से ड्रॉ करूँगा तो कुछ भी दिखेगा नहीं, इसलिए मैं यहाँ पे B यूज़ कर रहा हूँ। आपको B नहीं यूज़ करना है, जितना ज़्यादा लाइट ग्रेड की पेंसिल यूज़ करोगे लाइट प्रेशर के साथ उतना ही आपके लिए अच्छा होगा। तो यहाँ पे कोई भी मेजरमेंट टूल हमारे पास नहीं होगा, सिर्फ और सिर्फ ऑब्जर्वेशन। बट यहाँ पे केवल ऑब्जर्वेशन से काम हमारा नहीं होगा, ऑब्जर्वेशन तो होनी चाहिए बट उसके साथ प्रोपोर्शन का पता होना चाहिए, जो बेसिक प्रोपोर्शन होता है फेस का, अगर आप फेस ड्रॉ कर रहे हो तो। अब प्रोपोर्शन के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, अगर मेरा वीडियो नहीं मिलता है आपको तो आप YouTube पे जाओ और वहाँ पे सर्च करो फेस का बेसिक प्रोपोर्शन क्या होता है, क्योंकि यहाँ पे जो फेस आपको दिख रहा है तो इसके अंदर आई है, नोज़ है, लिप्स है और बाकी पोर्शंस है, बाकी एरियाज हैं, सभी के बीच में ना एक रेशियो होता है। जैसे कि ये आई है, ठीक है, ये आई और ये आई, दोनों आई ऑलमोस्ट सेम होता है, दोनों का साइज़ सेम होता है और इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो भी बिल्कुल आई के साइज़ के बराबर होता है। तो इस तरीके से मेजरमेंट को हम बोलते हैं प्रोपोर्शन। तो ये आपको पता होना चाहिए, अगर आपको नहीं पता ना, आप कितना भी ऑब्जर्व कर लो आपको एक्यूरेसी मिलेगी नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको प्रोपोर्शन की नॉलेज होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता है इसको इस वीडियो को बंद करो, पहले प्रोपोर्शन जान लो, क्योंकि अगर आपको बिल्कुल ही भी नहीं पता ना तो आप नहीं ड्रॉ कर पाओगे। क्योंकि अगर इतना ही आसान होता है, बस देख के ड्रॉ कर लेते तो सभी ड्रॉ कर लेते, फिर आर्टिस्ट की कोई वैल्यू नहीं होती, ठीक है। तो पहले प्रोपोर्शन समझ लो, उसकी प्रैक्टिस कर लो, उसके बाद आप फ्री हैंड एक्यूरेटली ड्रॉ कर पाओगे। मैंने भी बहुत टाइम से कोई पोर्ट्रेट ड्रॉ नहीं किया है, इवन फ्री हैंड मैंने बहुत टाइम पहले यूज़ करा था, तो मुझे भी उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, बट मैं ट्राई ज़रूर करूँगा, आपको कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश करूँगा। तो वो चीज़ ध्यान रखना कि जो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ उस पर ध्यान रखना, कितना एक्यूरेट बना पा रहा हूँ। वैसे तो मैं ट्राई करूँगा कि मैं एक्यूरेट बना पाऊँ। ओके, तो यहाँ पर हम बात करते हैं साइज़ की, कि कितने साइज़ में यहाँ पर ड्रॉ करना चाहिए। तो आप अगर आपके पास पिक्चर है, आपके पास स्मार्टफोन है जिससे आप देख कर बना रहे हो, तो आप ये कर सकते हो कि उसी साइज़ में, जितने साइज़ में आप बनाना चाहते हो उतने साइज़ में आप यहाँ पे जूम कर लो, उसके बाद ऑब्जर्व करके आप यहाँ पे ड्रॉ कर लो। अगर आपके पास प्रिंट आउट है तो जितने साइज़ में आपको बनाना है उस साइज़ में आप प्रिंट आउट करके ड्रॉ कर सकते हो। जैसे A4 साइज़ है, A4 साइज़ में आप प्रिंट आउट करवा लो, उसके बाद आप यहाँ पे बना सकते हो। अगर आपने A4 साइज़ में प्रिंट आउट कराया है और आपको A3 साइज़ में बनाना है, तो आप सारी चीज़ों को डबल डबल करके आप बना सकते हो। आप उस वैसे केसेस में, जैसे मान लो कि मैंने बस इतना ही जूम करा और मुझे इतने साइज़ में बनाना है, तो मैं आई का साइज़ लूँगा, पहले मैं आईज़ का साइज़ डिसाइड कर लूँगा कि मुझे कितना रखना है, और उसके हिसाब से पूरा फेस हमारा बन जाएगा। तो यहाँ पे तो मैं जितने साइज़ में मुझे बनाना है उतने साइज़ में मैं इसको जो है वो जूम कर लेता हूँ,
लाइक मुझे इतने साइज़ में बनाना है, तो मैं इतना जूम कर लिया मैंने। उसके बाद फेस को मैं बिल्कुल सेंटर में रखूँगा, तो एक लाइन मैं ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि सेंटर का मुझे समझ में आ जाए। रैंडम लाइन है, बस कोई कैलकुलेशन नहीं करी है, बस ऑब्जर्व करके कि ये सेंटर हो सकता है, एक मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया। तो कैमरे को थोड़ा सा मैं पास रख देता हूँ ताकि अच्छे तरीके से दिखे आपको। ओके, एक चीज़ प्रोपोर्शन जब आप सीखोगे ना, तो आपको एक चीज़ पता चलेगा कि जो फेस होता है वो तीन इक्वल पार्ट में डिवाइड होता है। जैसे कि ये वाला पार्ट, उसके बाद आईब्रो लाइन से, मतलब ये वो इसको हेयर लाइन बोलते हैं, यहाँ से ये वाला लाइन, ये एरिया, उसके बाद ये एरिया और उसके बाद ये एरिया, तीनों इक्वल पार्ट में डिवाइडेड होता है एक नॉर्मल पर्सन के हिसाब से, ठीक है। बट यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो इनका जो ये वाला एरिया है वो बड़ा है, मतलब कि तीनों इक्वल साइज में नहीं। ये हो गया हेयर लाइन से ये, उसके बाद ये तो फिर भी ऑलमोस्ट थोड़ा सा कम है, और ये वाला एरिया देखोगे, ये देखो तो ये छोटा पड़ जा रहा है। तो इस तरीके से आप एक बार बनाने से पहले ऑब्जर्व कर सकते हो, मेज़र कर सकते हो कि तीन इक्वल पार्ट में है या नहीं है। तो यहाँ पे मुझे क्या देखने को मिला कि ये वाला जो है नोज़ लाइन से चिन लाइन जो है, ये एरिया सबसे छोटा है, उसके बाद ये और उसके बाद ये, कुल मिला के ये है कि ये सबसे बड़ा एरिया है, मतलब कि नोज़ इनकी जो है वो थोड़ी सी लंबी है, उसके बाद ये एरिया जो है वो ये एरिया से थोड़ा सा छोटा है। तो ये सारी चीज़ें हम ध्यान में रखेंगे जब हम ड्रॉ कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ जिससे मुझे आईब्रो का पोजीशन मिल जाए। तो यहाँ पे हम आईब्रो का एंगल देखेंगे, थिकनेस को हम गेस करेंगे कि कितना हो सकता है। रेगुलर प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया है तो उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ नहीं रहा है, बट एनीवेज ट्राई करेंगे, ठीक है। इस तरीके से मैं देख पा रहा हूँ कि आईब्रो ऐसा हो सकता है। उसके बाद मैं एक आई ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आगे का आई भी मुझे पता चल जाए कि कितना साइज़ का होना चाहिए। देखो ये फर्स्ट राउंड है, यहाँ पे बिल्कुल एक्यूरेट नहीं मिलेगा, एक राउंड हम बना लेंगे जिससे पूरा प्रॉपर शेप बन जाएगा। उसके बाद हम हर एक पार्ट को और अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके एक्यूरेसी मैच कराने की कोशिश करेंगे। अभी फ़िलहाल मैं मेनली साइजेस को सही करने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर मैंने आई बनाई है तो फिर आगे का साइजेस सही हो जाए, उसके बाद हम एक्यूरेसी देखेंगे। अभी हम एक्यूरेसी नहीं देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे मैंने एक आई ड्रॉ कर लिया है। अब इसी की हेल्प से पूरा फेस का स्ट्रक्चर हम ड्रॉ करेंगे। सारी चीज़ें जो फेस का स्ट्रक्चर है, फेस के जो फीचर्स हैं वो आई से रिलेटेड है, जैसे कि दोनों आई के बीच का जो डिस्टेंस है वो एक आई के बराबर होता है, दोनों आई सिमिलर होते हैं, उसके बाद नोज़ का भी साइज़ आई से रिलेटेड होता है, उसके बाद लिप्स, उसके बाद चिन, सारी चीज़ें। तो बेसिक चीज़ें अगर आपको नहीं पता होंगी तो आप यहाँ पर एक्यूरेसी अचीव ही नहीं कर पाओगे। सबसे पहले तो आपको बेसिक प्रोपोर्शन सीखना है। मेरे चैनल पे भी आपको वीडियोस मिल जाएंगे, या फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च करोगे, गूगल पे जाके सर्च करोगे तो आपको बेसिक चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तब जाके आप यहाँ पे एक्यूरेसी अचीव करने के जो आपके चांसेस है वो बढ़ जाएगी। उसके बाद दूसरा है ऑब्जर्वेशन। यहाँ पे रेफरेंस आपके सामने है, बिल्कुल आपको अच्छे तरीके से देखना है कि कौन सी लाइन कहाँ पे जाएगी, कहाँ पे शेडो है, कहाँ पे डार्क है, सारी चीज़ें आपको ऑब्जर्व करनी है। और ऑब्जर्वेशन एकदम से नहीं आती है,
आप प्रैक्टिस करते जाओगे, जैसे सपोज करो कि ये पोर्ट्रेट आप पहली बार बना रहे हो और इसके पहले आपने फ्री हैंड ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी है और ज़्यादा आपको पता नहीं है, तो हो सकता है कि आप एक बार ट्राई करोगे तो उतना ज़्यादा एक्यूरेट आप नहीं बना पाओगे, बट उसको अगेन फिर से ट्राई करोगे तो आप देखोगे कि जितनी बार आप ट्राई करते जाओगे आप बेटर होते जाओगे। ठीक है, तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है, ऑब्जर्वेशन प्रैक्टिस से आएगी और जो बेसिक प्रोपोर्शन है, एक्यूरेसी जो है, वो आपका बेसिक प्रोपोर्शन के नॉलेज से आएगा। तो ये दोनों का कॉम्बिनेशन आपको रखना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आपको कुछ भी नहीं पता और फ्री हैंड आप बिल्कुल एक्यूरेट बना दोगे, ऐसा नहीं होता है। तो इसके आगे जो भी चीज़ें मैं ड्रॉ कर रहा हूँ वो कम्प्लीटली ऑब्जर्वेशन और थोड़े बहुत मैं पेंसिल से ही मेजरमेंट ले रहा हूँ क्रॉस चेक करने के लिए, ताकि ज़्यादा मिस्टेक ना हो। तो इसी यही चीज़ को आपको करना है, तो आप देखो ध्यान से वीडियो को और समझने की कोशिश करो कि किन किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, कैसे आपको ऑब्जर्व करना है और किस तरीके से आपको लाइंस ड्रॉ करनी है। ओके, तो ये चीज़ हमने स्टार्टिंग में ही ऑब्जर्व करी थी कि इनकी जो नोज़ है वो हल्की सी लंबी है एवरेज फेस से हम देखें तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा लंबा बनाना है। तो गाइस यहाँ पे नोज़ के बाद मैं लिप्स ड्रॉ करने वाला था, बट कभी कभी ऐसा होता है कि जब आप ड्रॉ कर रहे हो तो आपको लगता है कि आप उस चीज़ पे फोकस नहीं कर पा रहे हो या फिर उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस उस समय आपको नहीं आ रहा है। तो ये चीज़ मैंने एक और वीडियो में बताया था कि ऐसा अगर आपको फील होता है तो आप क्या कर सकते हो, बाकी पोर्शन आप देखो ड्रॉइंग का, जो बाकी पोर्शन है जो आपको लगता है कि थोड़ा सा ईजी है आप उसको कवर करो, थोड़ा देर वहाँ पर टाइम स्पेंड करो, उसके बाद फिर आप यहाँ पर जंप करो। तो ये ऐसा मैं अक्सर करता हूँ जहाँ पे मुझे लगता है कि यहाँ पे मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक कर सकता हूँ और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, तो वैसे मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा मैं ध्यान को डिस्ट्रैक्ट करता हूँ, इधर उधर मैं बनाता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैं हेयर को ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि ये ईजी पार्ट है। ओके, तो यहाँ पे लिप्स को भी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करके हम ड्रॉ कर लेंगे और यहाँ पे बिल्कुल एग्जैक्ट फेस तो आपको नहीं मिलेगा अगर आपने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं करी, क्योंकि मेरा भी यहाँ पे मैंने बताया कि बहुत टाइम से मैंने भी फ्री हैंड ड्रॉ नहीं करा है। तो यहाँ पे आप एक टारगेट बना सकते हो कि कितना एक्यूरेसी आपको आउटलाइन में लाना है, बाकी चीज़ें आप शेडिंग में कवर कर लो। जैसे कि यहाँ पे मैंने टारगेट करा था कि और कम से कम 80% फेस मैच हो जाए, बाकी चीज़ें हम शेडिंग में कंप्लीट कर लेंगे। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हो, आपके ऊपर, आप 90% का टारगेट बनाते हो या फिर 70 में भी आप खुश हो जाते हो कि ठीक है 70% अगर एक्यूरेट हो गया उसके बाद बाकी चीज़ें आप सेटिंग में ठीक कर लोगे, तो ये आपके ऊपर है। बट 80-85% आप लेके चलो, ज़्यादा गड़बड़ है तो अगेन आप उसको अच्छे तरीके से ऑब्जर्व करो, उसको इरेज करके फिर से बनाओ अगर ज़्यादा गड़बड़ लग रहा है तो।
तो बस गाइस आज का वीडियो यहीं पे ख़त्म करते हैं, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।